जनपद रुद्रप्रयाग में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर पुलिस कार्यालय सभागार में पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग प्रबोध कुमार की अध्यक्षता में रुद्रप्रयाग के सामाजिक व्यक्तियों, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन के व पदाधिकारी मातृशक्ति के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग ने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि होली के इस त्यौहार को आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। उपस्थित मातृशक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे भी इस अवसर पर अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों को वाहन संचालन सही ढंग से करने और परिवार के सदस्यों को नशे से दूर रहने व होली के त्यौहार को भाईचारे के साथ मनाने की पहल करें। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। और आज जो हमने मीटिंग रखी हुई है होली से पहले, हमेशा ये मीटिंग का वो रहता है कि यहाँ पर जो आने वाला त्यौहार है होली है, वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाए। इसको भी लेकर के हमने जो यहाँ पे मातृशक्ति आई थी, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि आए थे, यहाँ के जो व्यापारी आए थे, उनके माध्यम से एक पुलिस परिवार की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की है कि इस तरह से कोई शराब के नशे में गाड़ियाँ मोटरसाइकिल न चलाएं ताकि उसके जीवन को खतरा हो सके। तो यही हमारा एक मकसद था। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर आज होली का दहन होना है रात 12 बजे तक, तो वहाँ पर की स्थिति क्या है, वहाँ पर कुछ कोई ज्वलनशील पदार्थ या कुछ हाई टेंशन या इसके बारे में भी हमने उनसे पूरी कह दिया है, और यहाँ की जो हमारी पहचान है उसको बनाए रखें, किसी तरह की कोई घटना न घटे।